बहुत बुरी तरीके से फंसा यार ये। एफजेड ड्यूक। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे हो, मस्त हो, जबरदस्त हो, व्यस्त हो। तो गाइस वीडियो को शुरू करने से पहले कर लेते हैं महादेव का नाम, हर हर महादेव। और आज का सीन शॉट है कुछ ऐसा, अभी मैं जा रहा हूँ कारदाम, अभी तो गोलापार कोतवाली के सामने अभी जा रहा हूँ मैं कारदाम चौराहे पे। वहाँ पे आ रहे हैं अपने कुछ राइडर और अभी हमारे ग्रुप में एक नई बाइक आई है। नई बाइक कौन सी है वो आपको पता चलेगा अभी आगे जाके। और अभी तो फिलहाल हमें ये आपके यहाँ पे देखो, मैं आपको बता दूँ यहाँ पे देखो एक मज़ार भी है और यहीं पे बगल में हनुमानगढ़ी है। ये आपने मेरी काफ़ी वीडियो में देखा होगा, फिलहाल आजकल काफ़ी भीड़ रह रही है। और अभी आपके लिए गुड न्यूज़ यह है, अभी जो है हल्द्वानी मानसून शायद ये आज या कल में बारिश होगी, क्योंकि मौसम अच्छा हुआ है तो आज कल में बारिश यहाँ हो सकती है, ये पूरी पूरी उम्मीद है। और सामने दिख रहा है अपना कारदाम गोला बैराज। और भाई साहब ट्रैफिक तो चल रहा है एक नंबर का, टूरिस्ट इतना आ रहा है, बहुत ही ज़्यादा टूरिस्ट आ रहा है यहाँ पर गुरु, बहुत ज़्यादा है जाम। देखो भाई साहब कितना लंबा जाम लगा हुआ है, ये जाम से निकलना बहुत मुश्किल हो रहा है हमको, कहीं पहले रोकनी पड़ेगी गाड़ी। गाड़ी रोक के करता हूँ योगेश को कॉल, लेकिन मैं सोच रहा हूँ पुल पार करके तभी गाड़ी रोकूँ, बोले कहीं छाँव में जाके, क्योंकि अभी भीड़ भाड़ इतनी है और चप्पे चप्पे पुलिस है, तो मैं नहीं चाह रहा मेरा चालान कटे, क्योंकि अभी 1000 रुपये का भाई साहब चालान भर के आया हूँ मैं कुछ दिन पहले, लगभग 15 दिन हो उसको, वो भी क्यों कटा था मेरी हो गई तबीयत खराब, आप लोगों को पता होगा थोड़ी सी तबीयत खराब होगी तो उसमें लोगों ने क्या करा चालान काट दिया मेरा, तो इसलिए बहुत सोच समझ के चलना पड़ रहा है गुरु को अभी। चल आगे का सीन शॉट। तो अभी मैंने सोचा है गाड़ी कहाँ रुकूँ, यहाँ रुकता हूँ इस पेड़ के नीचे गाड़ी। सो गाइस अभी दो लोग तो पहुँच गए हैं, योगेश भी आगे अपनी क्वीन लेके, अपने मैं अपनी रानी लेके खड़ा हूँ, और ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो बाकी लोग जो अभी ट्रैफिक में फंस गए हैं वो लोग आते हैं, फिर हम लोग यहाँ से निकलेंगे आगे के लिए। और अभी रानी यानी अपनी यहाँ खड़ी हुई है, वो लोग आते हैं फिर निकलते हैं। गाइस यहाँ सारे राइडर पहुँच गए हैं, और जो हमारे ग्रुप में न्यू बाइक एड हुई है वो ये हुई है बजाज की ड्यूक 250, और ये भाई ने ली है, प्रदीप भाई ने। एक बार और बहुत बहुत बधाई हो आपको। और भाई ये कितने की पड़ गई आपको? लगभग 4-20 के समथिंग पड़ गई। और भाई जैसा कि हमारे ग्रुप में होता है, जब भी किसी की बाइक आती है तो बाइक का नाम जरूर रखा जाता है, जैसे मेरे का नाम रानी है, योगेश का क्वीन है, तुम भी अपनी गाड़ी कुछ नाम रखो। गाइस कमेंट्स में बताना, जो जो कमेंट जो भी अच्छा नाम होगा वो नाम रखा जाएगा इस गाड़ी का, क्यों भाई। और अब यहाँ से करते हैं ऊपर का अपना राइड स्टार्ट और करते हैं बहुत सारी मस्ती। एक बार लाइन अप देख लो, एफजेड ड्यूक, योगेश की क्वीन, आरएस, अपाची और एक्टिवा। सो गाइस फाइनली हमारी राइड हो रही है यहाँ से स्टार्ट, क्योंकि अभी तो हम थोड़ा उसमें आ रहे थे ट्रैफिक में, तो और अब जो हमारी यहाँ से राइड स्टार्ट हो गई है, और राइड में देखते हैं क्योंकि हमारी राइड तो काफ़ी हुई है इस रोड पे, अभी KTM की जो है फर्स्ट राइड है, तो देखते हैं इसका फर्स्ट एक्सपीरियंस कैसा रहता है भाई का। और भाई का जो हेलमेट कर रहा है यार, वाह भाई वाह, वो कर रहा है तुम्हारा वेगा का। और बाकी राइड देखते हैं कैसी होती है क्या होती है, और करते हैं मस्ती बहुत सारी, बहुत सारा फन। एंड गाइस जब तक इस रोड पर गाड़ी भगाओ नहीं ना तब तक मज़ा नहीं आता। ये भाई ये गया ड्यूक, क्योंकि भाई अब तो पावरफुल गाड़ी है तो भाई भागेगा भागेगा, पहले स्कूटी थी अब पावरफुल गाड़ी ड्यूक 250 है और अपनी यहाँ 150 है, 100 cc का फर्क है भाई। ओ भाई ओ भाई ये तो घुस जाएगा, भाई 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 तगड़ा रोला हो गया रोला, लाइनअप देखो गुरु एक के पीछे एक, भाई स्कूटी वाला भी कम नहीं है। मैं वापस आऊंगा जा रहा हूँ मैं यहाँ जाने अपनी छोड़ के। गाइस गाइस तगड़ा चल रहा है तगड़ा गुरु, ओ भाई ओ भाई ओ भाई, लाइन अप ऐसे ही चलती है ना गाड़ी जो लीन होती है ना, इस पे तो मजा ही कुछ अलग आता है। ओए भाई कोई कांड हो गया, आ गया रुक, बहुत बुरी तरीके से फंसा यार ये। चलो ये है भाई, मेरे फाड़ रखा है वो पहले ही।
दोनों को खींचो इधर को। निकल गया निकल गया, ये निकल गया निकल गया यार। चलो चलो आंटी, ओके भैया ओके, चलो आंटी आराम जाना ठीक है। नहीं हम लोग तो बस ये झूली बोर्ड तक जा रहे थे। हाँ तो गाइस बहुत हार्ड दुपट्टा फंस गया भाई मेरे हाथ पास, वैसे हो गए। फिलहाल आंटी को कुछ नहीं हुआ, ठीक है आंटी। तो यार ऐसे वो जो होता है तो रुक जाया करो, अगर आपको कोई ऐसा मिले तो प्लीज़ रुक जाया करो उनके लिए, क्योंकि ऐसे कोई हेल्प के लिए होता नहीं है। और पूरा हमारा जो ग्रुप था रुक गया, बाकी हमारे ग्रुप में कोई ऐसा नहीं है जो किसी की हेल्प ना करे। सो गाइस अब पूरा अपना ग्रुप निकल रहा है, और तभी कहते हैं अगर आप बाइक पे लेडी सवारी को लेके जा रहे हो तो प्लीज़ साड़ी ना ही पहने तो ही अच्छा है, अगर आप सूट बूट पहने तो उनका दुपट्टा जो है संभाल के रखें, क्योंकि तो अभी आप देख रहे हो कितना गड़ा कांड होने से बच गया। अगर आंटी गिर जाती है तो कितना तगड़ा कांड हो जाता, बहुत तगड़ा कांड हो जाता इससे। और अभी हम फिलहाल पहुंचने वाले दो गांव, भाई हालत खराब हो गई उसको निकालने में, दुपट्टे को बहुत बुरी तरीके से फंसा हुआ था। और अगर गाइस अगर आपको कहीं ऐसा कोई मिले तो प्लीज़ यार मैं तो ये कहूँगा आप उसकी मदद जरूर करो। और ये हम आ गए दो गांव, ये भाई मज़ा आ रहा है भाई, तगड़ा लोग तगड़ा। एंड गाइस अभी इस बाइक को आए हुए दो या तीन ही दिन हो रहा है, ये देखो ये हमारा अखंड ड्राइवर। भाई तेरी कितनी खतरनाक तरीके से ले गया चला के, तो गाड़ी लीन हो रही भाई मजा आ रहा है। ओ भाई ओ भाई ओ भाई बिली, कितनी खतरनाक बिली, मैं तो डर गया देख के, रोला रप्पा। एंड गाइस वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी उसको आप एडजस्ट कर लीजिए, लेकिन मजा आ रहा है बाबा गाड़ी चलाने में, आज तो मजा ही कुछ अलग आ रहा है। इतनी खतरनाक तगड़ा लुक आज तक नहीं हुआ इतना आज हो रहा है ये। ओ भाई कॉर्नर देखो, इसका कॉर्नर देखो, कॉर्नर कितनी खतरनाक तरीके से काट रहा है ये। सो गाइस अब यहाँ से निकल रहे हैं हम लोग नीचे को, और क्योंकि हम राइड जो है हमारी यहीं तक थी, नैनीताल जाने लगा भी क्योंकि हो नहीं रहा है, क्योंकि भीड़ बहुत हो रही है ट्रैफिक बहुत हो रहा है, तो नैनीताल जाने लगते तो अभी है नहीं मौसम, तो अभी नैनीताल जाएंगे भी नहीं, क्योंकि तीन दिन मैंने बताया था आज है संडे, कल सैटरडे था, कल भी बहुत भीड़ थी, कल गया था तो मैंने कल वीडियो बनाई नहीं थी। और अब जा रहे हैं हम नीचे को और कहीं अच्छी जगह देख के वहाँ बनाते हैं कुछ शॉर्ट्स वीडियो, जो कि हमारे मेरे यूट्यूब चैनल भी मिल जाएंगी और इंस्टाग्राम पेज भी मिल जाएंगे, जो कि हम आपको लिंक दे दूँगा इंस्टाग्राम के नीचे अपने डिस्क्रिप्शन में, आप जाके वहाँ पर चेकआउट कर सकते हो। और बाकी हमारी कोई भी जानकारी होती है मैं इंस्टाग्राम पर डाल देता हूँ। और अभी हम फिलहाल चल रहे हैं नीचे, बाकी लाइनअप करो अपने, कुछ राइडर नीचे को निकल गए हैं और कुछ अभी निकल रहे हैं। और अब गाड़ी यहाँ से जाएगी न्यूट्रल, क्योंकि भाई तेल बचाना, तेल बहुत महंगा हो रहा है। ओ भाई तो गाड़ी अभी देखो ऊपर से नीचे को घूम के आ गया, लेकिन ये जाम को भी खुलने का नाम नहीं ले रहा है, इससे आप लगा सकते हो कितना तगड़ा रस चल रहा है नैनीताल में, जाम खुलने का नाम नहीं लिया है अभी भाई साहब। और अभी हम लगभग एक किलोमीटर ऊपर आ रहे हैं, वहाँ से जाम मिल ही रहा है हमको। और अभी और आपके ये जाम काठगाम रेलवे स्टेशन जाम ही जाम है, और यहाँ से काठगाम रेलवे स्टेशन आपके लगभग 5 किलोमीटर है, और 5 किलोमीटर तक जाम ही जाम है ये। सो गाइस सारे राइडर चलेंगे अपने अपने घर को, और मैं भी आ गया हूँ अपने ड्यूटी के लिए। और ये वाली वीडियो को हम यहीं एंड कर दें, वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करना, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय नमस्कार, जय हिंद जय भारत जय उत्तराखंड।